टेक पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बैंक में सेविंग अकाउंट कैसे ओपन किया जाए। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आप हमारी हर लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले पा सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूको बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाकर यूको पे प्लस नाम का ऐप डाउनलोड करना होगा। चलिए हमने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है तो हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, इसे आपको अलाउ कर देना होगा। उसके बाद आपसे टर्म एंड कंडीशन आएगा, उस एग्री पर क्लिक कर देना होगा। एग्री पर क्लिक करते ही आपके पास एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस पर आपको प्लीज़ एंटर योर मोबाइल नंबर, आपको अपना मोबाइल नंबर भरना होगा। चलिए हम जल्दी से भर देते हैं। तो आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम भरना होगा। चलिए हम जल्दी से भर फर्स्ट नेम भरने के बाद आपसे आपका ग्रांटर पूछेगा। आप मेल फीमेल जो भी हैं यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम मेल हैं तो मेल पर सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। चलिए हम जल्दी से अपनी डेट ऑफ बर्थ भर देते हैं। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद आपसे आपकी ईमेल आईडी मांगेगा। चलिए हम अपनी ईमेल आईडी भर देते हैं। ईमेल आईडी भरने के बाद आपको अपनी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन टैब पर सेलेक्ट करना होगा। चलिए हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ आपको कई ऑप्शन मिलेंगे जैसे कि पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड। चलिए हम आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं। आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद आपको पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर भरना होगा। चलिए हम जल्दी से भर देते हैं। सेलेक्ट करते ही रसीद का बटन पर क्वेश्चन पूछेगा। चलिए हम कोई एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं। करने के बाद आपको रसीद पर क्लिक करना होगा। पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया इंटरफेस खोल कर आएगा। चलिए यहाँ पर आपको अपना एम पिन एंटर करना होगा। चलिए हम अपना एम पिन एंटर कर देते हैं। क्या ऑप्शन आएगा जहाँ पर क्लिक हेयर पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक हेयर पर क्लिक करते ही आपकी ने जो भी डिटेल दी होगी आपके सामने आ जाएगी। चलिए हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा आपसे सब्सिडी वगैरह इस बैंक में लेना चाहते हैं या अदर बैंक में। तो हम अदर बैंक में लेना चाहते हैं तो हम यस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद जैसा ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर आपको टर्मिनेशन है। चलिए हम सीट पर क्लिक कर देते हैं। सीट पर क्लिक करने के बाद आपसे आपका आधार कार्ड नंबर मांगेगा। चलिए हम जल्दी से भर देते हैं। अपना आधार कार्ड नंबर भरने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। आपका जो भी मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है उस पर एक OTP मैसेज आएगा। वो OTP आपको यहाँ पर करना होगा। चलिए हम अपना OTP जल्दी से OTP भरने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपकी सारी डिटेल ये आधार कार्ड से ले लेगा। आपकी सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ये आपसे आपका पैन कार्ड डिटेल मांगेगा। चलिए हम जल्दी से अपनी पैन कार्ड भरने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा कि क्या आप इंडियन सिटीजन है और आप इंडियन टैक्स पे करते हैं। चलिए हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद जब मैड है चलिए हम मैड हैं तो मैड पर क्लिक कर देते हैं। आपसे ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना होगा। चलिए हम ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर देते हैं। तो हम एग्रीकल्चर करते हैं तो हम एग्रीकल्चर सर्विस को सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आपका एनुअल इनकम सेलेक्ट करना होगा। चलिए हम अपना इनकम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपके कास्ट पूछेगा। जो भी आपका कास्ट है आप सेलेक्ट कर लीजिए। जनरल अदर जो भी आप कास्ट है आप तय कर दीजिए। तो हमारा जनरल है तो हम जनरल पर क्लिक करते हैं। उसके बाद कम्युनिटी पर क्लिक करना होगा। आप क्या हैं है, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए हम सिख हैं तो हम सिख पर क्लिक करेंगे।
उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपसे आपकी नॉमिनेशन डिटेल मांगेगा, जहाँ पर अगर आप अपने नॉमिनेशन का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, आपसे क्या उसका रिलेशन है आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना ब्रांच कोड सेलेक्ट करना होगा, जिस भी ब्रांच में आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आप अपने ब्रांच को सर्च भी कर सकते हैं। तो जहाँ पर हम, मैं अपना अकाउंट पहले से ही यूको बैंक में खुलवा चुका हूँ, इसलिए मैं अपनी नॉमिनेशन डिटेल नहीं सबमिट करना चाहता हूँ। आप अपनी नॉमिनेशन डिटेल पर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको आपका अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी और आईएफएससी कोड आपको मिल जाएगा। इस बैंक में आपको फ्री डेबिट कार्ड भी दिया जाएगा और नेट बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग, एसएमएस सब कुछ फ्री में मिलेगा। ये एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, इसमें आपको मैक्सिमम बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।